उत्तर प्रदेश के हरदोई के कछोना कस्बे में शनिवार को ज्ञात लुटेरों द्वारा 103 साल की वृद्ध महिला को घायल कर लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चार लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर महिला से लूटे गए जेवर दो ज्वेलर्स के यहाँ से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को कछोना कस्बे में अपने दूसरे घर में अकेली रह रही 103 साल की श्रीमती को अज्ञात लुटेरों ने पीट कर घायल कर दिया था और उनके पास से जेवर लूट लिए थे। सूचना मिलने पर कोतवाल राय सिंह व सीओ बघोली अखिलेश राजन ने मौके पर पहुंच जानकारी ली थी। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। पुलिस ने पीड़िता के पुत्र ब्रजमोहन सोनी की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली थी। SP अमित कुमार ने मामले के खुलासे के लिए एक टीम गठित की थी। ASP ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर लिया और चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर कामीपुर रोड से की गई है। बताया गया है कि चारों युवा कछोना कस्बे के निवासी हैं, जिनमें सूरज चौरसिया निवासी इस्लाम नगर, शिव कुमार उर्फ शिवा कंजड़, राकेश कंजड़ उर्फ छोटू एवं निखिल कंजड़ उर्फ निक्की निवासी मोहम्मद नटपुरवा ठाकुरगंज कछोना के हैं। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। श्रीमती वाइफ ऑफ मुन्नूलाल सोनी, जो कि 103 वर्षीय वृद्ध महिला है, जो वार्ड नंबर 10 पूर्वी बाजार कछौना की रहने वाली है, अकेले रहती हैं अपने घर में। उनको अकेला देख करके वहाँ के चार व्यक्ति का नाम प्रकाश माया, सूरज सनाप रामचंद्र, निखिल सनाप सियाराम, शिवा सनाप गिरीशचंद और राकेश सनाप सियाराम, जो कि पूर्वक रहने वाले हैं, कंजड़ विराती थी। इन लोगों ने उनको अकेली देख करके उनके घर में घुस करके उनके कान के दो गुंडे और एक लॉकेट छीन लिया था। बाद में घटना पुलिस के संज्ञान में FIR दर्ज करके घटना का अनावरण किया गया है। जो चारों लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, उनके पास से लॉकेट और जो गुंडे जो छीने हुए थे वो रिकवर हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट की भी कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।